सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। इस बुलेटिन विच आपां गल करांगे 9 जून दीआं दुपहर दीआं कुछ खास ते वड्डीआं खबरां बारे। सो जी, शुरू करदे हां सब तों पहली वड्डी खबर दे नाल। जथेदार दे बयान नूं कांग्रेस ते भाजपा आगू बेलोड़ा तुल दे रहे ने खालसा। श्री अकाल तख्त दे जथेदार सिंह साहब ग्यानी हरप्रीत सिंह अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल वल्लों खालिस्तान दे हक विच दित्ते गए बयान बारे हल्के दे श्रोमणी कमेटी मैंबर प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह ने गलबात करदिआं कहा कि जथेदार साहिब ने कोई भी नवी गल नहीं कीती, सगों गुरु साहिबान वल्लों बेगमपुरे ते हलेमी राज दा संकल्प दृढ़ाया है अते सिंह साहब ने उसे दी ही हामी भरी है। उन्होंने पत्रकारों वालों पूछे सवालों का जवाब देंदिया कहा कि सिंह साहब ने खालिस्तान की गल की है ते असी सिंह साहब का पूर्ण तौर पर सत्कार करते हाँ। श्रोमणी कमेटी के मैंबर भाई अमरजीत सिंह चावला नाल गल करन ते उन्हां कहा कि असी श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार नाल हाँ ते उन्हां वालों कही गल ते पूर्ण सहमति प्रगटाउंदे हाँ। जदों उन्होंने पूछा गया कि खालिस्तान बारे विस्तार सहित की दसोगे तो उन्होंने कहा कि इस बारे तो जत्थेदार ही दसणगे, पर असी जत्थेदार साहब दे नाल हाँ ते नाल रहांगे। अगली खबर दोस्तों, PSPCL झोने दे सीजन लई खेतीबाड़ी ट्यूबवैल खपतकारां नूं रोजाना 8 घंटे निर्विघन बिजली देवेगा। PSPCL दे CMD श्री ए विनू प्रसाद ने कहा कि पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड 10 जून तो शुरू होने वाले झोने दे सीजन लई राज विच अपने 14 लाख खेतीबाड़ी ट्यूबवैल खपतकारां नूं रोजाना 8 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई देने लई वचनबद्ध है। इस तों इलावा राज विच सारियां श्रेणियां दे खपतकारां नूं 24 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई करन लई पहलां ही व्यापक प्रबंध कीते गए हन। ए वेनू प्रसाद ने भरोसा दिता कि कारपोरेशन दे सारे खपतकारां नूं पंजाब विच निरंतर निर्विघन अते म्यारी बिजली सप्लाई दित्ती जावेगी। उन्हां कहा कि राज दे सारे AP खपतकारां नूं रोजाना बिजली सप्लाई हर सब स्टेशन ते 3 समूहां विच वंड दित्ती गई है। कारपोरेशन ने खेतीबाड़ी खपतकारां नूं पंजाब दी अंतरराष्ट्रीय सरहद दे नाल नाल दिन दे समें दौरान 8 घंटे बिजली मुहैया करवाई जावेगी। अगली खबर दोस्तों, भारत च 10 लाख आबादी ते कोरोना दे 187 मामले ते मौतां दी गिनती 5। बीते 24 घंटिआं च 9,987 नवे मामले ते 331 मौतां। भारत च कोरोना वायरस की रफ्तार घट हुंदी नहीं दिखाई दे रही। सेहत मंत्रालय वल्लों जारी ताज़ा अंकड़े अनुसार पिछले 24 घंटिआं दौरान 9,987 मामले सामने आए हन ते 331 लोगों की मौत हो गई। देश विच हुण तक 2,66,598 मामले सामने आ गए हन। इन्हां विचों 1,29,917 एक्टिव हन ते 1,29,215 लोग ठीक हो गए हन। उत्थे ही 7,466 लोगों की मौत हो गई है। दूजे पासे दुनिया भर च कोरोना के वधदे मामलों च भारत के ज़्यादातर सूबों च हालात सुधर रहे हन। भारत च वायरस नाल ठीक होने वाले लोगों की गिनती तेजी नाल वध रही है। देश च कोरोना दे एक्टिव केस ते इलाज तो बाद ठीक होने वाले लोगों की गिनती लगभग बराबर ही है। देश च 10 लाख आबादी ते कोरोना वायरस के कुल मामलों की गिनती 187 ते मौतों की गिनती 5 है। उत्थे ही देश च हुण तक करीब 50 लाख सैंपलों की जांच की जा चुकी है। रोजाना 1 लाख तो ज्यादा सैंपलों की जांच की जाती है। अगली खबर दोस्तों, सरकारी हुक्मां नूं नज़रअंदाज करके श्री हरिमंदर साहिब च वरताया लंगर ते प्रसाद। श्री हरिमंदर साहिब विखे सोमवार नूं कोरोना दे चलदे सरकारी हुक्मां नूं पूरी तरह नज़रअंदाज करदे हुए लंगर ते प्रसाद वरताया गया। श्री हरिमंदर साहिब दे लंगर हाल च वड्डी गिनती च संगत ने लंगर छकिया अते इस दौरान किसी भी तरह सोशल डिस्टेंसिंग दी पालना नहीं कीती गई। इन्ना ही नहीं, सचखंड विच वी संगत नूं नतमस्तक होण उपरंत पहलां वांग ही प्रसाद वंडिया गया। जिक्रयोग है कि केंद्र सरकार वल्लों अनलॉक 1 अनुसार सारे धार्मिक स्थान खोलण दी आग्या दे नाल नाल उत्थे लंगर अते प्रसाद वरतौण ते रोक लाउण दे हुकम जारी कीते गए सन। उधर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने
लंगर ते प्रसाद वरतौन दी मनाही करन ते सख्त इतराज जाहर करदिआं कहा कि लंगर ते कड़ा प्रसाद गुरद्वारा साहब दी मर्यादा दा अहम अंग है जिस ते मनाही जायज नहीं है। उन्हां कहा कि इस फैसले बारे मुड़ विचार किया जाए। उन्हां आख्या कि इस नाल संगत दीआं धार्मिक भावनावां जुड़ियां होईआं हन जिस दी तर्जमानी होनी चाहीदी है। गुरु घरां च लंगर वरतौन समें पूरी तरह साफ सफाई रखी जांदी है ते सेहत विभाग वल्लों दसियां गईयां सावधानियां लाजमी कीतियां गईयां हन। अगली खबर दोस्तों, खेती बारे मोदी सरकार दे ऑर्डिनेंसां विरुद्ध सूबे विच रोज मुजाहरे। एक देश एक मंडी बनाउण लई मोदी सरकार वल्लों संघी ढांचे उत्ते हल्ला बोलदियां खेती उत्पादन वणज व्यापार ऑर्डिनेंस 2020 लागू करके खेती मंडी कारपोरेट कंपनी दे हवाले करन दा राह खोलण विरुद्ध ते बिजली दा पूरी तरह निजीकरण करन लई ल्यांदे गए बिजली सोध बिल 2020 दे खरड़े नूं रद्द करवाउण लई अज हजारां किसानां मजदूरां ते बीबियां वल्लों पंजाब दे 7 डीसी दफ्तरां अते 3 एसडीएम दफ्तरां अगे रोस भरपूर विशाल धरने दित्ते। किसान मजदूर आगूआं ने अकाली भाजपा गठजोड़ दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते कैप्टन सरकार नूं किसान मजदूर मारू उक्त दोवें एक्ट तुरंत वापस लैण दी चेतावनी दिंदिआं पंजाब भर दे हजारां पिंडां विच 10 जून तों 20 जून तक अकाली भाजपा ते कांग्रेस विरुद्ध पुतले फूक रोस मुजाहरे करन दा ऐलान कीता। अगली खबर दोस्तों, घर आई पुलिस पार्टी दे नौजवान वल्लों फायरिंग, एक हैड कॉन्सटेबल दी मौत, दो जख्मी। बीती रात मोगा जिले दे खोसा पांडो विखे एक व्यक्ति दी शिकायत ते मुजरम नूं फड़न आई पुलिस ते नौजवान वल्लों अन्नेवाह गोलियां चलाए जाण ते एक हैड कॉन्सटेबल जगमोहन सिंह दी मौत हो गई, जबकि सीआईए मोगा दे इंस्पैक्टर त्रिलोचन सिंह अते एक हैड कॉन्सटेबल रिदम जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी अनुसार खोसा पांडो वासी गुरविंदर सिंह दा दिन वेले अपने परिवारक मैंबरां अते चाचे नाल तकरार हो गया, जिस तों बाद उन्हां पुलिस नूं सूचित कीता सी ते पुलिस पार्टी जद गुरविंदर नूं फड़न आई तां उसने विरोध करना शुरू कर दिता। गुरविंदर सिंह पुलिस वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर दोस्तों, नवीं नीति खेती सुधार नहीं सगों किसानी विरुद्ध साजिश है, सुनील जाखड़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार खेती जिनसा दी नवीं खरीद प्रणाली नूं खेती सुधारां वजों प्रचारित कर रही है, जबकि असल विच इह किसान नूं बहुकौमी कंपनियां अते शाहूकारां दे रहमो करम ते छड्ड देण दी इक साजिश है। सूबा कांग्रेस प्रधान ने अज इत्थों जारी बयान विच कहा कि केंद्र सरकार दे निजी मंडियां विच फसल दी खरीद विच संबंधी फैसले नाल ना केवल किसान दी आर्थिक लुट होवेगी सगों इस नाल केंद्र सरकार MSP बंद करन दे एजेंडे नूं लागू करन लई अगे वध रही है, जबकि यह फैसला देश दे संघी ढांचे दे भी उल्ट है, क्योंकि इस नाल पेंडू विकास लई राज्यां नूं मिलदे टैक्स बंद हो जाण नाल देहाती खेतर दा विकास बुरी तरह प्रभावित होवेगा। अगली खबर दोस्तों, यूथ अकाली दल रुजगार दे मुद्दियां ते संघर्ष करेगा, बंटी रुमाणा। यूथ अकाली दल रुजगार दे मुद्दियां नूं लै के जोरदार संघर्ष करेगा। अज पार्टी दे हैडक्वार्टर विखे नव नियुक्त यूथ अकाली प्रधान परमबंस सिंह बंटी रुमाणा ने बिक्रम सिंह मजीठिया तों आशीर्वाद लैण मगरों पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं कहा कि कैप्टन सरकार ने चोणां समें नौजवानां नाल घर घर नौकरी समेत कीते होर सारे वादे भुला दित्ते हन। रुजगार मंगण वालिआं नूं लाठियां नाल दबाउण दा यतन कीता जांदा है। उन्हां कहा कि मुफ्त मोबाइल फोन दा वादा भी पता नहीं कित्थे गया। नौजवानां च बेरोजगारी कारण विदेशां वल जाण दा रुझान वधिया। उन्हां कहा कि यूथ अकाली दल नौजवानां नूं लामबंद करके कैप्टन सरकार तों वादियां दा पूरा हिसाब लवेगा अते इह पूरे करन लई मजबूर कीता जावेगा। उन्हां कहा कि नौजवानां नूं बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दित्ता गया। उन्हां कहा कि पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे अगवाई हेठ यूथ अकाली दल नूं होर तकड़ा करके लोक लहर खड़ी कीती जावेगी। उन्हां इह भी कहा कि यूथ अकाली दल पार्टी दी मजबूती लई भी पूरे यतन करेगा। अगली खबर दोस्तों, हुण एक मिस्ड कॉल ते दर्ज होवेगी बिजली गुल दी शिकायत। पंजाब भर च पावरकॉम दे करीब 95 लाख खपतकार हन। हर साल ही गर्मी दे सीजन अते झोने दी बिजाई दे दिनां च किसानां अते आम खपतकारां नूं रेगुलर अते क्वालिटी भरपूर पावर सप्लाई देना किसे चुनौती तों घट नहीं रहिंदा।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ 9000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ 500 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-800-1-800-1512 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 1912 ਤੇ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਇਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਫਸੇ 600 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਕੁਵੈਤ ਗਏ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ AGL ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ।